यूपी के सीतापुर के ग्राम पंचायत किशनपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व लाभार्थियों के बीच राशन वितरण करने को लेकर हो रही कहासुनी को सुलझाने गए प्रधान के भाई को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक जिला सीतापुर के विकासखंड लहरपुर के ग्राम पंचायत किशनपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पिछले कुछ महीनों से नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का राशन वितरण नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर लाभार्थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बीच विवाद हो रहा था। मामले को सुलझाने के लिए प्रधान का भाई जब वहां पहुंचा तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने आक्रोशित होकर उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसको लेकर प्रधान व उनके भाई ने संबंधित थाना लहरपुर में मामले में शिकायत दर्ज कराई है। क्या समस्या आपकी? सर, मेरी ये समस्या है, जो आंगनबाड़ी का गल्ला आता है बच्चों का, वो नहीं मिला है 3 महीनों से। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत किशनपुर से। अच्छा। जो मेरे बड़े भाई प्रधान है, मैं उनका छोटा भाई, पप्पू नाम है मेरा। और क्या? ठीक है। और जो बच्चों का गल्ला आता है वो 3 महीने से नहीं मिला, और उसी मामले में कहा सुनी हो रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया सुलझाने के लिए। मैं वहाँ गया तो आंगनवाड़ी जो केंद्र जो गल्ला वाली हैं, उनका नाम संगीता है, ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने जब कहा सुनी की तो उन्होंने रजिस्टर, मैंने कहा रजिस्टर दिखा दो, 3 महीने से गल्ला मिला है या नहीं मिला। इसी बात को जो दिसंबर का गल्ला था वो 26 बच्चों को बांटा था, और उसको मैंने देखा तो मैंने कहा चलो 26 बच्चों को जो गल्ला है वो दिखा रहे हो, मुझे वो रजिस्टर दिखा दो। तो कहने लगे अभी ले दिखाओ। जब मैंने दिखा देखने लगे तो दिसंबर में जो दिसंबर लिखा था दिसंबर का बटा ही नहीं गल्ला, तो उन्होंने काट के जनवरी कर दी, वहाँ पर जनवरी डाल दी। मैंने कहा जनवरी क्यों डाल रही हो, जब दिसंबर का बच्चों को मिला नहीं तो दिसंबर डालो ना जनवरी का। इसी बात में उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो मेरे पास है सर। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? नहीं, मैंने थाने में दर्ज कर दी है शिकायत।